अयोध्या मथुरा माया यानी हरिद्वार और काशी कांची अवंतिका यानी कांचीपुरम और अवंतिका यानी उज्जैन, द्वारिका धाम और गुजरात, ये सप्तपुरिया हैं जिन्हें पुराणों में मोक्षदायिनी माना गया है। यानी कि ये वो स्थान है जहां व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही सप्तपुरियों में से एक मथुरा और समीपस्थ वृंदावन की सैर आज पेप्टिक टाइम के माध्यम से हम आपको कराने जा रहे हैं। इस समय हम आध्यात्मिक नगरी में हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हैं, मथुरा वृंदावन जिस भूमि का नाम है। यहाँ की रज रज में, यहाँ के कणकण में भगवान कृष्ण विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण की महिमा की बात करें तो चाहे बाल लीलाओं की बात हो या फिर उनके युवावस्था की बात हो या फिर उन भगवान कृष्ण की जो कि रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, यानी कि बाल लीलाओं से लेकर युवावस्था तक की जो कहानियां हैं वो यहां पर रची बसी हुई हैं, हर किसी के ज़ुबान पर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे तो भगवान कृष्ण यहां पर कणकण में हैं, लेकिन अगर किसी की चलती है या लोगों की ज़ुबान पर अगर कोई नाम है तो वो सिर्फ राधा रानी का नाम है। यानी कि यहाँ पर महत्ता राधा रानी की है। नमस्कार में भी राधे राधे होता है, किसी को प्यार से पुकारना हो तो भी राधे राधे होता है, डांटना हो तो भी राधे राधे होता है। यानी कि हर जगह सिर्फ राधा और राधा ही हैं। तो आज हम पेप्टिक टाइम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की इस नगरी के दर्शन कराएंगे। जगह जगह चारों तरफ मंदिरों की भूमि है, जहाँ भी जिस गली में आप जाएंगे वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे। और मंदिरों के अलावा पूरे क्षेत्र में पर्यटकों का जो है रेला यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल कार्तिक माह चल रहा है, तो इस समय कार्तिक में पूरे देश भर की तमाम महिलाएं कार्तिक स्नान करने के लिए यहाँ पर हैं और कई सारे पर्यटक भी हैं। कुछ एक पर्यटक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, रविन्द्रनाथ अवस्थी। कहाँ से आए हैं? हम महोबा से आए हुए हैं। कितनी बार मथुरा वृंदावन आ चुके हैं आप, और यहाँ की क्या महिमा है? हाँ, यहाँ की महिमा श्री कृष्ण भगवान को लेकर बहुत अच्छी है, और हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। कार्तिक महीने में ही आते हैं हम हर बार, और बहुत अच्छा है यहाँ, लगता है राधे राधे का बहुत अच्छा है यहाँ पर। वो है कौन कौन से मंदिर जो है आपने देखे हैं और किस तरह का माहौल यहाँ पर आपको लगता है? यहाँ माहौल एक भक्तिमय माहौल रहता है और बहुत अच्छा माहौल है, जो वास्तव में होना चाहिए। आदमी को मन से शांति मिलती है यहाँ पे आने में, और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी है। वृंदावन है पास में, बरसाना पास में है, प्रेम मंदिर भी है, जो बहुत अच्छा एक अच्छा लगता है, जैसे देखने में आत्मा को शांति टाइप की मिलती है, बहुत भाव विभोर हो जाता है आदमी वहाँ देखने में, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो वाकई जो पूरी नगरी है, आसपास का पूरा क्षेत्र है, वो अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से धार्मिक माहौल यहाँ पर है। जहाँ पर भी जाएंगे बस सिर्फ आपको राधे राधे ही सुनाई देगा। रामायण काल में भी मथुरा का जिक्र होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आगरा से लगभग एक घंटे की सड़क यात्रा के बाद यमुना नदी के किनारे स्थित है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। इस पूरे क्षेत्र में भव्य मंदिर हैं जो भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के दर्शन कराते हैं। अन्य स्थलों में गोकुल, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन आदि हैं। प्रमुख मंदिरों में बांके बिहारी, गोविंद देव मंदिर, रंगजी मंदिर, द्वारिकाधीश, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, बिरला मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा, नर्मदा आरती सहित तमाम स्थान आकर्षण का केंद्र है। श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में फोटो वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां आज भी मान्यता है कि रोजाना यहां रात्रि में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। शाम 5 बजे के बाद यहां लोगों का आना और रुकना प्रतिबंधित है। श्रद्धालु वृक्ष बन चुकी गोपियों के दर्शन यहां पर करते हैं और झूमते और नाचते नजर आते हैं।
धार्मिक महत्व के चलते श्रद्धालु यहाँ आना नहीं भूलते। यहीं पास में द्वारिकाधीश और कंस का टीला भी मौजूद है। ये है प्रसिद्ध बिरला मंदिर। इसका निर्माण सेठ जुगल किशोर बिरला ने कराया था। ये मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर है। इस मंदिर में पांच जन शंख और चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। ये मंदिर दिल्ली के भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर का छोटा स्वरूप है। उत्तर दिशा में लाल पत्थर का एक विशाल स्तंभ है जिस पर संपूर्ण गीता उत्कीर्ण की गई है। यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था भी है। यह है भव्यता का स्वरूप लिए हुए आकर्षक सज्जा युक्त प्रेम मंदिर। वृंदावन में स्थित ये मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। बताया जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने अपना श्रम दिया था और लगभग 100 करोड़ की लागत से इटालियन संगमरमर से बना यह मंदिर लगभग 11 वर्ष में बनाया गया था। इसे भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण के नमूने के तौर पर भी देखा जाता है। 54 एकड़ में बने इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है, लंबाई 122 तथा चौड़ाई 115 फीट है। यहाँ पर कुल 94 स्तंभ हैं जो श्री राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको पूरा मंदिर मनोयोग से देखना है तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। कालियानाग का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण, गीता का ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने लोगों की रक्षा करते हुए बाल कृष्ण और गोपियों संग रास रचाते हुए कृष्ण यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ म्यूजिकल फाउंटेन भी एक बेहद आकर्षण का केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं यहाँ का वातावरण आपको एक अलौकिक अनुभूति देता है। चलिए अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित है, इसलिए इसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गीत संगीत का दौर यहाँ लगातार जारी रहता है और विदेशी पर्यटकों की संख्या भी यहाँ काफी मात्रा में पहुंचती है। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित भक्ति योग अभ्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए इस्कॉन का निर्माण हुआ था। वृंदावन का ये मंदिर 1975 में निर्मित हुआ था। बताते हैं कि 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेलते थे और गोपियों के साथ लीलाएं भी करते थे, उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ था और जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।